सिचुएशन, थोड़ा सा मैं जो चीजों की आपके माइंड में है उसको एक रेक्टिफाई करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर जल्दी चीजों को सुधार लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। वो ये है कि अगर हमारे दिमाग में ये है कि अभी कोरोना चल रहा है ना, तो इस बात को, इस लाइन को पूरी तरह से बदल दीजिए, है ना। कोरोना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ सिचुएशन, है ना। बस ये इतनी सी बात में अगर आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम समझेंगे तो समाधान ढूंढेंगे, सिचुएशन समझ लेंगे तो उन समाधान उन उन हालातों में काम करना सीख जाएंगे। और ये जिंदगी की सिचुएशन है, इस तरह की चीजें आज कोरोना के रूप में है, कल किसी और रूप में आ सकती है, ये लाइफ का पार्ट है, ये लाइफ पार्ट ऑफ द लाइफ है। इसलिए हमें इस सिचुएशन में कैसे काम करना चाहिए और क्यों हमारी जो एक मेंटलिटी जो है वो ऐसी बन जाती है, थोड़ी सी चर्चा करूंगा। स्थिति को स्वीकार करिए आप, एक्सेप्ट करिए आप, है ना। हम लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इसीलिए हम लोग इंतजार करते हैं कुछ चीजों का कि शायद अब कुछ हो जाएगा, और वो शायद कभी आता नहीं है, और इसीलिए हम लोग कभी आगे बढ़ नहीं पाते। अक्सर ये जवाब मिलता है, अरे सर क्या करें, है ना। तो मैं बड़ा कभी कभी सोचने लगता हूँ कि मैंने कहा अभी क्या करें, तो क्या करेंगे क्या, है ना। और वो कोई उम्मीद रखता है कि कोई मदद मिल जाए, तो मैं आपको थोड़ा सा, आप अपनी मदद कैसे करते हैं रूटीन में जब आपके साथ बहुत सारी मुश्किलें आती है, तो हम क्या करते हैं ना रूटीन में, क्या करते हैं, समाधान आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है। आप रूटीन लाइफ में जब घर में कोई अगर कोई बीमार हो जाता है और पैसे नहीं होते हैं या आपके पास कोई सुविधाएं नहीं होती है, आप क्या करते हैं उस टाइम पे, उस टाइम पे किसको बोलते हैं, तब कौन सी अपलाइन याद आती है, तब कौन याद आता है या कौन पड़ोसी को पास जाता है, आप उस हालात को कैसे मैनेज करते हैं ये आपको ज्यादा पता है। और ऐसा नहीं कि इस तरह के हालात नहीं आते, सबके पास आते हैं, आते हैं और उसका हम लोग मुकाबला करते हैं। बच्चे का एडमिशन कराना है, स्कूल की फीस नहीं है, हम क्या करते हैं, हम उसका मुकाबला करते हैं, कुछ ना कुछ रेमेडी निकालते हैं। लेकिन अरे सर मैं क्या करूं, मैंने बेटे को पढ़ाया ही नहीं क्योंकि फीस ही नहीं थी, ऐसा तो नहीं करते ना। हम उसका मुकाबला करते हैं, रेमेडी निकालते हैं, उस पर काम करते हैं। शादी करनी हो, पैसे नहीं हो, कमाने तो नहीं रहते, है ना, शादी तो कर ही लेते, रास्ता निकाल लेते, फिर कैसे रास्ता निकालते हैं। अगर हमने इस बात को समझ लिया कि चाहे स्थिति कुछ भी हो आप उसका रास्ता निकाल ही लेते हैं, तो यहां पे आपको इस सिचुएशंस का भी आपको रास्ता निकाल ही लेना चाहिए और इसके साथ जीना और इसके साथ काम करना सीख लेना चाहिए। अब यहां पे मैं आता हूं थोड़ा सा जिन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। अब यहां पे थोड़ा सा डाटा मैं आपको शेयर भी करना चाहता हूं जो बड़ा सरप्राइजिंग सा है, बहुत एकदम बहुत आश्चर्यजनक है कि ऐसे हालात में लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, यानी जहां पे चाहे शराब, चाहे तंबाकू, चाहे बीड़ी, चाहे ये सब चीजें बेच रहे, आज की तारीख में बेच रहे हैं, जिसकी किसी को जरूरत नहीं है ना, किसी को भी, एक भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि सर इसके बिना तो मेरा काम कैसे चलेगा, है ना, एक भी नहीं चलेगा, एक भी ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन उसके बाद इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन को लोगों ने कहा कि यार ये तो जो है हमें अपना काम करना है, मेरा बिजनेस है, मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मेरा घर ऐसे ही चलेगा, और आप देखिए कितने आंकड़े हैं, भयानक आंकड़े हैं। सन 2020 में कोरोना का पूरा साल, मतलब जो कोरोना की कोविड ईयर जिसको बोला गया, उस पूरे कोविड ईयर में 16 करोड़ लोगों ने शराब पी। मतलब इस हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी है, बच्चे शराब नहीं पीते, करीब करीब 99% नहीं पीते, और वो करीब करीब जो 18-20 साल की उम्र में लगभग 40 करोड़ की आबादी निकल जाती है। महिलाओं का रेशो बहुत कम है, यहाँ पे करीब 35 करोड़ की आबादी वो निकल जाती है। बुजुर्ग लोग नहीं पीते, बीमारों को पीने नहीं दिया जाता, मतलब बहुत सारी चीजें, तो लेकिन फिर भी जो बाकी है ऐसा लगता है कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो हालात बुरे कहां है, मतलब मेरी बात समझ नहीं आती कि 16 करोड़ आदमी तो अपनी आदत को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। आंकड़ा देखिए आप, 650 करोड़ लीटर शराब की बोतलें पी गई पिछले साल, 650 करोड़ लीटर, इतनी शराब की बोतलें गटक गए ऐसे, गट गट गट, मतलब कोई कहीं रुकावट नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, तब कोविड नहीं आया, तब और कोई समस्या नहीं आई, तब तो बिल्कुल ऐसे बिंदास सारा काम करते रहे। 35,000 करोड़ की सिगरेट पी गए पिछले साल हम लोग, मतलब 35,000 करोड़ की सिगरेट पी गए आप,
वो सिगरेट जिसको पीने के पहले खरीदने के लिए जाना पड़ता है, वहां पे उस दुकानदार ने एक ऐसे जबड़े पे ऐसा पूरा भयानक सा डरावना सीन, हॉरर फिल्म वाला सीन लगा रखा है, और आजकल तो बाकायदा वो एलसीडी और एलईडी टीवी पे दिखाते हैं। और हो सकता है कि सरकार थोड़े दिनों बाद तो ऐसा नियम बना दे कि वो पूरी एक फिल्म देखनी पड़ेगी ये डरावनी वाली, उसके बाद सिगरेट मिलेगी, और कुछ साल बाद तो बाकायदा कस्टमर को बोल के बोलना पड़ेगा कि ये सिगरेट पीने से मेरे को कैंसर हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं जल्दी मर जाऊंगा, मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तब सिगरेट मिलेगी, तब भी छोड़ेंगे नहीं। बात यह है कि जिस चीज के लिए आप, जिस चीज की ऐसी आदत है तब भी छोड़ने को तैयार है। 35,000 करोड़ की सिगरेट हम पी गए, बहाने हम करें यार, बात करें कि सर ये हो गया, हमें क्या करूं, तो जिन्होंने बेचनी है उन्होंने बेच दी, जिन्होंने खरीद ली उन्होंने खरीद ली, कोई रुकने वाला नहीं है। 10 करोड़ आदमी तंबाकू का सेवन करते हैं इस हिंदुस्तान में, मैं इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, दुनिया में 70 लाख मतलब वर्ल्ड वाइड आगे बात करते हैं, और भारत में 2,739 लोग हर दिन तंबाकू की और ये जो बुरी आदतों की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये बात को थोड़ा सा अगर रिलेट करेंगे तो हमारे पास अच्छी आदतें, अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी रेमेडी, अच्छी एडवाइज, अच्छी वो तमाम चीजें हैं जो शायद आपको वास्तव में जिंदगी देता है। ऐसे में आपको सामान बेचना है आरसीएम का जिसके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती, जिसके बिना नहीं, जिसकी जरूरत नहीं है, उसका धंधा चल रहा है, आपको तो मैं क्या करूं। अब आपको क्या बताना चाहिए कि क्या करूं, मुझे लगता है कि आपकी मदद ही शायद आपके लिए वो घातक होती जा रही है। हम लोग कहते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि सर मुझे कोई अपलाइन बताएगा, मैं अपना रोना दुखना रोऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अच्छा है, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, एक्शन करो, काम करो। आइए थोड़ा सा मैं चीजों पर बात करता हूं, कोरोना क्या धोखा है या अभी के थोड़ा सा धोखे का मेरा मतलब क्या है कि क्या ये हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, क्या क्या हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या ये कोई मौका है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, क्या ये एक हमारे लिए एक अवसर है कि ये हमारी जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव ला सकता है, हमें मतलब एक अलर्ट कर रहा है, हमें एक सावधान कर रहा है, हमें जीवन के जीने के सही अंदाज दिखा रहा है, लेकिन साथ साथ में कुछ लाइफ को बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दे रहा है। आइए उस मौके को समझते हैं। देखो सबसे पहली बात अगर मैं ये कहता हूं कि हम लोग काम कर हैं, हमारे साथ, हम अकेले तो नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनियां, डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारी कंपनियां हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जैसे जैसे हालात अगर मुश्किलों वाले आते हैं, वैसे वैसे मुश्किलों में वही टिक पाता है जो मजबूत हो, कमजोर आदमी कमजोर हो जाता है और कमजोर हो जाता है, और मैं कहता हूं मुश्किल बड़ी आएगी तो आप आगे निकल जाओगे, लोग पीछे खत्म हो जाएंगे, तो ये तो मौका हो गया ना। मैं कहता हूं कि अगर आदमी अगर मजबूत है तो मुश्किलों को इनवाइट करता है, वो कहता है कि अगर मुश्किल आएगी तो जो लंदरू पंदरू जो आगे पीछे साले घूम घूम के हवाबाजी कर रहे हैं ये सब तो वैसे ही निबट जाएंगे। तो ये तो एक अच्छी बात है कि आपके पास अगर कोई मुश्किलें आती है तो आपके लिए मुश्किलें आनी चाहिए। आज की तारीख में लोग कहते हैं पैसा नहीं है, काम नहीं है, बिजनेस नहीं है खेती करने के लिए क्योंकि गाँव में कोई स्कोप नहीं है, तो मैंने कहा इट्स ऑन अपॉर्चुनिटी, ये तो बढ़िया बात है क्योंकि कोई आदमी कोई अपॉर्चुनिटी कब अवेल करता है। अगर देखो कोई भी आदमी पैसे वाला आदमी आरसीएम बिजनेस को नहीं करता है या नहीं करना चाहता है क्योंकि कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, तो जिसके पास नहीं है तो ये तो मौका हो गया ना आपके पास, ये काम हो गया। आज जो हालात है कोई किसी की मदद नहीं कर सकता क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई है, करना चाहे तो नहीं कर सकता, फिर चाहे वो एक बहुत बहुत क्लोज वन क्यों ना हो, बहुत गरीब घर का एक सदस्य ही क्यों ना हो और बहुत करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, मदद नहीं कर सकता है, कर नहीं पा रहा है, कोई बिजनेस सर्कल करने को बिजनेस कहता है कि यार मेरा ही नहीं चल रहा तो मैं तेरी मदद क्या करूं, है ना, सबकी कामकाज डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई मदद नहीं कर रहा, बोले यार अब आपके तो स्टेबिलिटी नहीं है हम क्या मदद करें, गवर्नमेंट थोड़े दिनों में वो भी हाथ खड़े कर देगी भैया हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें जो करना है अब तुम करो। ऐसे में हमें काम करने के हमेशा तरीके वो तलाश करने चाहिए जिसमें हमें किसी की मदद की जरूरत पड़े ही नहीं है। अगर मदद की जरूरत ढूंढते रहेंगे तो हमेशा एक मुश्किल से निकलेंगे, हम अगली मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक आंकड़ा बता रहा हूं आपको हिंदुस्तान का डाटा, आज देखिए आप कि खेती करने वाले लोगों की संख्या इंडिया में 38% है, प्राइवेट जॉब करने वाले 34% है, गवर्नमेंट जॉब करने वाले 6.25% है, स्किल लेबर यानी कि जो बंधुआ मजदूर जैसा काम करते हैं, जो एक दिन काम करते हैं दूसरे दिन का पता नहीं, वो स्किल्ड होते हैं तो अनस्किल्ड होते हैं तो वो इस तरह का काम करते हैं,
15% के आसपास की आबादी, हमारी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे है। एक जो बिजनेसमैन जो कि व्यापार करते, फैक्ट्री इंडस्ट्री दुकानें चलाते हैं, 4.5% है। प्रोफेसर जहाँ पे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस तरह के प्रोफेसर आते हैं, 0.25% है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का शेयर बहुत कम है, 0.85% शेयर है। और कुछ ऑनलाइन बिजनेस भी काम करते हैं जहाँ पे 0.15% है। बाकी छुटरम पुटरम बहुत सारे होंगे जो यहाँ पे डाटा दिखाने लायक वो शेयर नहीं है। अब जो हालात बदल रहे हैं, जो सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, वो सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट जॉब है वो बहुत, यानी जो लाल कलर का डंडा जो कह रहा है कि ये इतनी कम हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज नहीं तो काम कम हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि जब जैसे जैसे लोग रिटायर होते जाएंगे नई अपॉर्चुनिटीज कम होगी, यहाँ पे आपके पास स्कोप कम हो जाएगा। स्किल लेबर, क्योंकि अब पहले जो लेबर है वो बिहार की लेबर, दिल्ली में दिल्ली के लोग वहां पे, मतलब एक माइग्रेशन होता था, धीरे धीरे इसका रेशियो कम होगा और यहाँ पे वो लोग भी कम काम कर पाएंगे। बिजनेस में बहुत सारा इफेक्ट आ रहा है जिसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या फर्क पड़ रहा है। प्रोफेशनल्स के जब देखो सब चीजें कम होती है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आता है, लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, नेटवर्क बिजनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। लोग कहते हैं ये काम ऐसा है जिसमें हमारे को बाकी किसी चीजों पे आश्रित डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, और नई तकनीक पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन बिजनेस के स्कोप से। बट क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में टेक्नोलॉजी चाहिए, एक पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, पढ़े लिखे में भी नॉर्मल पढ़े लिखे से बात नहीं बनने वाली है, बहुत हाईली ग्रेजुएटेड और बहुत एडवांस फॉर्मेट पे कोई काम करने वाला चाहिए, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा लोगों की हो भी नहीं सकती, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेसेस में लाख आदमी कंज्यूमर बनते हैं, तब एक आदमी एक पूंजीपति बनता है, तो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ शेयर खेती, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा माइग्रेट होंगे गांव में, तो खेती का स्कोप बढ़ेगा, थोड़ा सा खेती करने लगेंगे। और बाकी जो डायरेक्ट सेलिंग, जो अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट आपके पास है, लोगों के पास कहते ना चॉइस ही नहीं होगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि पहले लोग जो आसानी से सुनने वाले नहीं थे, अब आपकी बात सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आप गीता का मंत्र सुना रहे हो वैसे सुनेंगे आप। अब यहाँ पे हमें अपने लक्ष्य, अपने तरीके बदल देने चाहिए, है ना, हमें अपने गोल बदल देने चाहिए, क्योंकि एक मौका मिला है, यहाँ पे गोल को चेंज करना चाहिए। क्योंकि पहले जब हमने शुरुआत की, एक पैंट पीस के डब्बे में, मतलब एक डब्बे के पैंट डब्बे में पैंट पीस डाल के किया, तो 1 करोड़ लोगों का टारगेट बना लिया और करके भी दिखा दिया। बीसी सर ने जो बीड़ा उठाया, तो आज हम सब जानते हैं कि आज आरसीएम किस मुकाम पे है, हमने दुनिया पूरी दुनिया को दिखा दिया, क्योंकि जब मिशन हाथ में लिया, और आज हमारे पास मौका है, क्योंकि हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी है। हम सबको एक गोल सेट करना चाहिए कि हम कम से कम 10 करोड़ लोगों को आरसीएम में कन्वर्ट करें। इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाना, यही आरसीएम की परिभाषा है, मतलब आरसीएम का जो मोटो है, अगर देखा जाए तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, अगर हम हर जगह देखें, हर एंगल से देखेंगे, तो आरसीएम काम ही ऐसा करता है। और 10 करोड़ को सिर्फ आरसीएम ही ला सकता है, मतलब बाकी दूसरी कंपनी, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन, फिर चाहे एक बार टाटा बिरला अंबानी भी होगी ना, तो वो भी नहीं सोच सकते, क्योंकि इतने लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का तरीका और किसी के पास है ही नहीं, वर्ल्ड वाइड नहीं है, मतलब सिर्फ एक पूरी दुनिया में इकलौती आरसीएम कंपनी है जो इतने सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है। वो क्यों दे सकती है? क्योंकि 20 साल का आरसीएम के पास एक बड़ा कड़ा गहरा अनुभव है, कोई नौसिखिया कंपनी नहीं है कि कारोबार कैसे चलेगा, इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन, सप्लाई मैनेजमेंट, है ना, टीम मैनेजमेंट और नेटवर्क मैनेजमेंट और एजुकेशन और जो चैलेंजेज उनको सॉल्व करके आगे बढ़ना, फिल्टर हो गया। हम 2 लाख लोगों के बीच में से फिल्टर होकर बाहर निकले हुए हैं, हम इतने मजबूत और पक्के खिलाड़ी है। वो कहते ना तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को कभी भी मैच खेलने के लिए पूछना नहीं पड़ता, एक बार खेल के दिखाओ, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट। ठीक उसी तरह से आरसीएम एक इतनी अनुभवी और एक एक्सपर्ट कंपनी है जिसको कहीं कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हर हालात में हर आदमी के घर की जरूरत बनी रहते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार अब ये तो मैंने मेरे बजट में से कटल कर दिया। यहाँ पे बेहतर मैनेजमेंट, क्योंकि 20 साल का तजुर्बा, और जैसा कि व्हाट्सएप अभी बता रहे थे, हम डे बाय डे अपग्रेड करते जा रहे हैं, बेहतर मैनेजमेंट के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सबको एक कहते हैं एक परिवार की जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी की ओन प्रोडक्शन कैपेसिटी, और क्योंकि हम सब लोग भाग्यशाली है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं कि कल हम गलती से अगर हम 10 करोड़ को अगर एक साल में भी ले आए ना, तो आपको प्रोडक्ट की सप्लाई की समस्या होने वाली नहीं है, और हिंदुस्तान में दूसरी कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो ये कर पाए, सोच भी पाए। तो यहाँ पे ये भी एक हमारे लिए बड़ा बड़ा मौका है। एक बहुत सारी एक हमारे पास एक एक्सपीरियंस लीडर्स की टीम है,
यहाँ पे कहते हैं ना कि हर बार आपकी कोई बात को सुनने वाला, समझने वाला, आपको गाइड करने वाला, आपको एक प्रॉपर अनुभवी लीडर चाहिए। यहाँ पे वो लीडर से जिनके पास 15 से 20 साल का गहरा तजुर्बा है, साथ में पूरे भारत में डिलीवरी का नेटवर्क, क्योंकि उसके बिना कोई भी काम को हम लोग अंजाम नहीं दे सकते। इन सब चीजों में हमारी महारत हासिल है। यही वो तरीका है जो 10 करोड़ को ला सकता है। अगर 10 करोड़ लोग अगर आरसे में आ जाए, देखो सैनिटाइजर और मास्क आज की तारीख में एसेंशियल कम्युनिटी प्रोडक्ट हो गया है, वो आटा तेल जैसे गिनने में आने लगा है। फिर भाई घर में जा रहे हो, बाजार से राशन खरीद के लाया और एक सैनिटाइजर की बोतल नहीं लाया, तो बोले यार सामान ही पूरा नहीं लाया। ये वो वाला हिसाब, हर आदमी को जरूरत हो गई और ये प्रोडक्ट आज आरसीएम के पास है, इसलिए आपको इसके लिए मार्केट में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, मतलब अभी बीसी सर भी थोड़ी बहुत इस पर चर्चा करेंगे, और आपको पता है कि हमारी बॉडी को स्ट्रांग करना कोविड से लड़ने का सबसे बड़ा साधन है। हॉस्पिटल जाना, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना, मास्क लगाना, ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपकी बॉडी को स्ट्रांग करना ये सबसे बड़ा कारण है। ये अगर आपने ये कर लिया तो आप पूरी दुनिया को आप रिक्योर कर सकते हो, आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बन सकते हो। एग्रो प्रोडक्ट्स, क्योंकि कहते हैं कि ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज खेती के बिजनेस में होती है, हमारे पास एग्रो की सीरीज है और वहां पर भी हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं जो प्रोडक्ट्स किसी के लिए हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ग्रोसरी, क्योंकि रोज के सामान चाहिए, आरसीएम के अलावा किसी और को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। 100% वेजिटेरियन जो हमारी हेल्थ को प्रिक्योर करता है। आपके पास पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास होम केयर प्रोडक्ट्स, आपके पास ऑल नेसेसरी प्रोडक्ट्स, जो बाकी और कुछ भी ले लो आप, आपके पास 100% टैक्स पेयर आप बिजनेस करते हो ताकि सरकार की व्यवस्था बराबर चलती रहे। आप एजुकेशन लोगों को सिखा रहे हो, जहां पे लोग अगर किसी भी हालात में कितने भी कुछ भी है, पढ़े लिखे हैं नहीं है, तब भी आप उसको एक बिजनेसमैन बना देते हो। यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जहां पे गार्जियन जैसा रोल अदा करती है अपलाइन और अपलाइन ऑफ स्पॉन्सर्स, ताकि किसी को प्रॉपर ड्राइव करती है और साथ में किसी भी एक आदमी को चाहिए इनकम। अगर इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सारे सॉल्यूशन एक ही जगह पे है, मतलब 100% कंप्लीट सॉल्यूशन कंपनी वो है आरसीएम बिजनेस। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग तो मिलेंगे, है ना, ऐसे लोग तो मिलेंगे, ऐसे लोगों की कोई कमी है नहीं और इनका कोई इलाज है नहीं। अभी आपने सोचना है कि आप एक इतनी बड़ी कंपनी जो आपकी मदद करना चाहती है, आपको मुश्किल हालात में आगे ले जाना चाहती है, आप उसके साथ कैसे काम करते हो और आप कैसे आगे बढ़ते हो, या फिर आप इस तरह के लोगों के आज इर्द गिर्द खड़े होकर मजाक करते हो और कैसे अपनी जिंदगी बिताते हो। मेरी बात खत्म होती है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत ज्यादा उत्साहित हैं आज बीसी सर को कुछ बहुत कमाल की जानकारियां सुनने के लिए, और क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर बहुत कमाल हम कर रहे हैं और अद्भुत चीजें हमारे पास, कहते हैं गॉड गिफ्ट है शायद ऐसा कह सकते हैं। और उसके ऊपर बीसी सर का जो कहते ना कमेंट जब आता है, जो उनके व्यूज आते हैं, तो वो कहते ना अंदर दिल तक एकदम, कैसे ना डॉक्टर जैसे इंजेक्शन लगाता है वैसे हमारे अंदर भी वो इंजेक्ट कर जाती है बातें। तो हम सब लोग बिल्कुल एकदम उत्साहित हैं। मैं सबको आपको नमस्कार करता हूँ और आगे के प्रोग्राम को सुनने के लिए बिल्कुल बेताब हूँ। थैंक यू सर।